तो मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? बेसन, घी और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट रहेगा वो अभी शेयर किया जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में, स्किप ना कीजिए। तो मैं ले लूँ यहाँ पे टाटा संपन्न का 1 kg ग्राम फ्लावर यानी बेसन। तो मुझे ये ब्रांड का अच्छा लगता है, बट ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम यूज करते हैं जो वही दिखा रहे हैं आपको। लड्डू खाने में जितना आसान है बनाने में उतना आसान नहीं है, बट अगर आप सीख जाओगे तो आराम से बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसन को आपको जैसे चलनी में चलना पड़ता है चलना नहीं पड़ेगा, ऐसे आप डाल दीजिए, क्योंकि बेसन का क्वालिटी बहुत अच्छा है और फाइन में फाइन बेसन आता है, पूरा ज़बरदस्त मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें डायरेक्ट पानी ऐड करेंगे, पानी एक साथ में ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि आपका बेसन में बबल बनना नहीं चाहिए। अगर बबल बनेगा तो आपका जो जब दाना आप झाड़ेंगे ऑयल में तो आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए, देन आपका बराबरी कंसिस्टेंसी में लास्ट में पानी ऐड करके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह हल्का सा पानी ऐड करके थोड़ा सा बीट कर लीजिए। तो अच्छा से बीट करने के बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर ऐड कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो चाशनी बनाएंगे उस चाशनी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर। तो इसको ऐसे हल्का सा पानी ऐड करके उसको अच्छा से बराबर कंसिस्टेंसी में सेट करना है। अभी हमारा जो बेसन का बैटर है सेट हो चुका है, देख सकते हो, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला भी नहीं करना है। अगर आप कभी बूंदी कभी बनाए हो, बूंदी बनाने कभी ट्राई किया हो, तो बूंदी का क्या होता है बेटर, थोड़ा सा गाढ़ा रखना पड़ता है, क्योंकि उसका दाना बड़ा बनता है। तो बड़ा दाना के लिए थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, और ये छोटा दाना बनेगा तो झारा जो बोलते हैं, जो लड्डू का दाना जो बनाते हैं, तो वो जो उसका होल छोटा छोटा रहता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ता है। तो इस टाइप का अगर आप आपका हाथ से पूरा स्मूथली गिर रहा है एक ही लेयर से, तो सोचो बैटर आपका बराबर रेडी हो गया। तो बैटर अभी करते हैं साइड, अभी चलते हैं रेंज का ऊपर। तो अभी हमारा तो बैटर रेडी हो चुका है, इधर हमने घी भी गर्म कर लिया है, देख सकते हो कढ़ाई मैंने घी डाल लिया है, पूरा प्योर देसी घी है। तो ये देसी घी का आदर क्या करना है, नहीं ये है लड्डू का झारा। तो बैटर को इस तरह देन उसको यहाँ पे इसी तरह धीरे धीरे करके दाना का झाड़ना है। अगर आपका बैटर सही रहेगा तो दाना आपका बराबर बनेगा, और जब भी आप दाना को झाड़ रहे हो तो ये जो मैं पीट रहा हूँ ना, और पीटने का तरीका आप बराबर रखिए, अगर ज़्यादा पीट देंगे तो पौधा निकल जाएगा, और धीरे पीटेंगे छोटा निकलेगा, और बराबर पीटेंगे तो सेम टू सेम साइड में आपका दाना निकलेगा। तो अभी देख सकते हो आई होप ये बराबर हुआ है, इससे भी बेहतर हो सकता है। बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ऑलमोस्ट हमारा जो लड्डू का दाना है ऑलमोस्ट हो चुका है, देख सकते हो इस तरह के कलर में निकलना है, तो उसको अभी निकल के रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमने दाना को रखेंगे पहले, देन सब जब बन जाएगा देन उसको लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। तो जब भी आप लड्डू दाना बना रहे हो तो साइड में इस तरह पानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जो है झरा ये क्या होता है ना, ये जो स्टैनर ड्राई हो जाता है, तो ड्राई होने से क्या होगा ना, आपका दाना निकलेगा नहीं। तो वहाँ से आने के बाद ये पानी में ऐसे डाल दीजिए, देन ये फिर क्लीन होकर निकलेगा, देन फिर से शुरू होगा। तो इस तरह ही आपको पीटते रहना है।
तो ऑलमोस्ट सारे दाना हमारा हो चुका है। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा लड्डू का अभी जो हम बनाएंगे तो उसके लिए चाशनी रेडी करना ज़रूरी है। तो कढ़ाई हमारे गर्म हो चुका था तो मैंने ऐड कर दिया वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो 1 लीटर पानी में शुगर ऐड करना है कितना, 2 kg। ये उसका जो हिसाब किताब है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 किलो बेसन, 2 किलो शुगर, 2 किलो चीनी और 1 लीटर वाटर, और बाकी तेल तो आपका या घी अपना हिसाब से। तो मैंने 2 किलो चीनी ऐड कर दिया और बाकी आप टेस्ट के लिए जो भी ऐड कर सकते हो आपका मर्जी, काजू, किशमिश, चार मगज, इलायची, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि इलायची की पाउडर हो गया, नहीं तो आप फ्लेवर के लिए जैसे कि इलायची हो गया तो नटमेज भी ऐड कर सकते हो, या जो बोलते हैं उसको क्या है, जाई फड़ो, तो आपका लैंग्वेज में क्या होता है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो हमारा शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन येलो कलर, क्योंकि लड्डू का पूरा ज़बरदस्त कलरफुल दिखना चाहिए, ओके, गोल्डन गोल्डन, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेमन येलो कलर ऐड करूँगा। अभी हमारा जो ये शुगर का, तो उसको पता कैसे करेंगे सिरप आपका बराबर बना कि नहीं बना है, थोड़ा सा ऐसे ही इंगली में चिपकाइए, अगर आपका हाथ में अच्छा से चिपक रहा है तो ऑलमोस्ट आपका सिरप बन गया है। तो हमारा सिरप बन गया, अभी क्या करेंगे, नहीं जो फ्राई किया हुआ लड्डू का दाना इस सिरप का अंदर ऐड करना है, तो इस तरह ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके उसको बस ऐसे ही उसको अच्छा से कुक कर लेना है, जैसे कि आपका सारे दाने के अंदर आपका शुगर का जो सिरप है वो अच्छा से आ जाए। ये दाना चाशनी में डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करना है, पानी इसीलिए ऐड करना है दोस्तों, जैसे कि आपका दाना जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक उसको पानी डाल के अच्छा से सॉफ्ट कर लेना है। तो जब तक सॉफ्ट हो जाएगा तो सोचोगे कि आपका लड्डू का दाना जो बराबर सिरप कंज्यूम कर चुका है। तो इस तरह थोड़ा सा पानी ऐड करिए ऊपर से और चलाते रहिए। अभी ऑलमोस्ट हमारा जो दाना जितना सिरप कंज्यूम करना था कर लिया है, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी फ्लेम को बंद करते हैं, देन उसको ठंडा करने के लिए इसी कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो ढक्कन लगा सकते हो, बट मैं ढक्कन नहीं लगा रहा हूँ। देख सकते हो हमारा दाना पूरा बराबर सॉफ्ट हो चुका है, पूरा सॉफ्ट, देन और थोड़ी देर में ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, जितना भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है, देन उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने यानी कि लड्डू बनाएंगे, उसका अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगा कैसनट। तो कैसनट को 50% होल ऐड करेंगे और 50% ऐसे ही कट करके ऐड करेंगे। तो मेरे पास चार मगज नहीं है, चार मगज का रेट बहुत बढ़ चुका है, इसलिए चार मगज हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो किशमिश ऐड कर सकते हो। तो इस तरह कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग किया जो कैसनट उसका ऊपर मैंने ऐड कर दिया, अभी थोड़ा ये होल वाला भी ऐड कर देंगे ऊपर से। अब उसका अंदर फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूँगा ये हमारा होममेड कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर, बस डन हो गया। उसको मिला देंगे इस तरह, मिलाने भी सिखाना है क्या, तो इस तरह मिला लीजिए। देन अभी ठंडा नहीं हुआ है, उसको भी दूसरा प्लाटर में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे, देन बनाएंगे उसका लड्डू। हमको थोड़ा क्विक सर्विस चाहिए, इसीलिए मैं इस प्लाटर का अंदर निकाल लेता हूँ, निकाल के उसको फैन के हवा में डाल देंगे, जल्दी रेडी हो जाएगा इसको बाइंडिंग के लिए। तो ये आ गया 50% और 50% कढ़ाई में रहने देते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो पूरा और बाइंडिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको भी फैन का हवा में थोड़ा सा हवा खिला देते हैं। हमारा लड्डू ऑलमोस्ट सारे बन चुका है, तो अभी क्या करना है ना, और जितना बचा है उसको कर लेते हैं। तो इस तरह ही लड्डू को बाइंड किया जाता है, आपने देख लिया है, तो इस तरह
और भी दो तीन पीस होगा, कर लेते हैं। बीच बीच में साइड में पानी रखिए हाथ धोने के लिए। अभी आप देख सकते हो सारे लड्डू हमारा बनके हो गया तैयार। देन अभी करेंगे प्लेटिंग। तो इस केप के अंदर सबसे पहले डाल लेंगे, देन करेंगे प्लेटिंग। केप थोड़ा सा बड़ा है, छोटा केप हमारा ख़त्म हो गया, तो बड़ा केप में आज प्लेटिंग होगा। अब हम इसी तरह इस प्लेट का अंदर लड्डू को प्लेटिंग कर रहे हैं। तो आपने अभी हमारे जो डिलीशियस लड्डू है बनके हो गया तैयार, आपने देख चुके हैं, देख लिए हैं। चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा हुआ है। तो लड्डू भी बने थोड़ा मस्त। ये जो लड्डू का रेसिपी आपको आसानी से घर पे बना सकते हो सिंपल मेथड से। आई होप ये मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगे शेयर कर दीजिए। कुछ कमियाँ है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड न्यू रेसिपी। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।